सबसे तेज तर्रार ये खिलाड़ी शादलू। सुपर टेन लगा दिया प्रदीप परवान ने, बदलाकर तिरासीवा। आज प्रतीक दहिया कुछ गलत नहीं कर सकते। ऐसे ही तूफानी एक्शन से भरपूर रहा पीकेएल 10 का नोएडा लेग। मैट का बेस्ट एक्शन समेट कर हाजिर हैं हम टोटल केबीडी काउंटडाउन के इस स्पेशल एपिसोड में। तो सबसे पहले देखते हैं इस हफ्ते की टॉप रेट्स। और प्रदीप नरवाल आएंगे चार के डिफेंस पर। पिछली रेड में पॉइंट कमा कर गए थे, अमन को टारगेट कर रहे हैं। बैक टू बैक राइट और लेफ्ट कॉर्नर की तरफ में फुटवर्क करते हुए सुरजीत पर नजर रखिएगा। सुरजीत नरवाल बड़े ही सीनियर डिफेंडर है, दो बार बाहर हुए हैं जरूर। क्या रिस्क लेंगे सुरजीत, क्या रिस्क लेंगे? जी हाँ, रिस्क लिया, लेकिन रिस्क में फेल हुआ सुरजीत। प्रदीप नरवाल का भौकाल यूपी में छा चुका है। वेट किया एंड मूवमेंट तक, लास्ट के 5 सेकंड में वो पॉइंट स्कोर किया प्रदीप नरवाल ने, उन्हें कॉन्फिडेंट था। पिछली रेड में शिवम पटारे ने एक अच्छा पॉइंट उठाया था। फुल हाउस टीम है पटना पायरेट्स की, बोनस ऑन है। शिवम पटारे वॉक इन कर रहे हैं और बहुत बढ़िया फिसल कर निकल गए। बोनस प्लस 2 पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स। कृष्ण डुल को बाहर किया, सिक्स नंबर 1 और 4 आउट और बोनस मिला। ये सुपर रेड लगाई है शिवम पटारे ने। शिवम पटारे वारे वारे। मनजीत एक बार फिर आए हैं नवीन की गैर मौजूदगी में। कप्तानी की भी एक समस्या थोड़ी सी जरूर है, हालांकि आशु संभाल रहे इस बार मौका। इस बार मौका प्रतीक दहिया बाहर जाएंगे, सोमवीर बाहर जाएंगे। 2 पॉइंट्स दबंग दिल्ली। मनजीत ने देख लिया था, रुक रुक के आगे गए, उन्हें पता था कि सोमवीर जो है चेन लगाते हैं रनिंग हैंड टच करने की कोशिश के टाइम, इस वजह से अपने स्टेप को थोड़ा छोटा किया। और ये गुलाटियां जो आप देख रहे हैं, ये प्रदीप नरवाल का स्टाइल है। डुबकियां लगाते हैं, एस्केप करते हैं, और क्या एस्केप कर पाए हैं इस रेड में। नितेश दौड़ते हुए आए हैं यूपी योद्धाज को पता है, स्टेडियम में मौजूद सारे फैंस को पता है कि एक मल्टीपॉइंट रेड हो सकती है। सुपर रेड की संभावना है, इसमें कोई शक नहीं। सुपर रेड, बेहतरीन सुपर रेड। सुपर टेन लगा दिया प्रदीप नरवाल ने, कुल मिलाकर 83वां सुपर टेन है ये प्रदीप नरवाल के करियर का। रॉबिन चौधरी अब तक खाता नहीं खोल पाए, प्रफुल्ल जवारे को कोई पॉइंट नहीं मिला। मोहित गोयल एक बार फिर रेड पर, यहां 5 का डिफेंस है। एक साथ ड्राइव किया, 2 पॉइंट्स लीड डिफेंस करते हुए आत्मसमर्पण कर गए, कोई जरूरत नहीं थी पवन को। यस ओके, ये काम करने की। पवन भी बाहर गए, आनंद भी बाहर गए। सुपर रेड लगा दी मोहित गोयत ने, कितनी बुद्धिमानी से भरी हुई है रेड में। बहुत ही जबरदस्त एस्केप, बहुत ज्यादा एडवांस गए हमें। चुप टाकल, चुप टाकल की स्थिति में तेलुगु टाइटल्स इस बार में फिर हुए। रजनीश ने वो करके दिखाया, और यहाँ पे गलती कर बैठे अजीत सवार। नंबर 20 ऑन आउट, यहाँ से 3 पॉइंट रेड फेस्ट है, ये एक और पॉइंट। अगर 2 से आपका मन ना भरा हो तो लीजिए 3 सुपर रेड। नवीन एक्सप्रेस की बगैर यहां दबंग दिल्ली ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है।
कि ये एक टीम है और एकजुट होकर एकता में शक्ति दिखाने के लिए तैयार है। चेहरे पर खुशी आ गई है खोकर साहब के भी और जोगिंदर के भी। और ये ऑल आउट याद रहेगा यूपी योद्धास को। इस वक्त नंबर 22 की जर्सी श्रीकांत यादव रेड पर उतरे हैं। मनिंदर अगर स्ट्राइक रेडर है तो श्रीकांत यादव उनके वाइस कैप्टन है, लेकिन वो वाइस कैप्टन आज अपना काम करके दिखाएगा। एक नहीं दो नहीं, देखे कितने पॉइंट्स मिलेंगे श्रीकांत यादव को। विकास चार के चारों जाबाज एक बार में साफ। क्या ये मुकाबला पलट रहा है? क्या वॉरियर्स वारंट कर रहे हैं? फोर पॉइंट सुपर वॉरियर्स, कुल मिलाकर चार पॉइंट और अद्भुत रेड आप कह सकते हैं। देखिए किस तरह से प्रेस्टांस बदला और कामयाब हुए। बिल्कुल सक्सेस टैकल में से निकल के आ गए श्रीकांत यादव। जिस तरह से फजल आए थे बहुत एडवांस गए थे, पर वो टर्न जो लिया उन्होंने उस वजह से एस्केप करने में कामयाब श्रीकांत यादव। रेडर्स अगर छाए रहे तो डिफेंडर्स ने भी जमकर दबंगई दिखाई। देखते हैं बेस्ट टैकल्स। ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं मुकाबले के अंदर। यहां पर बेस दिखाई और काम कर दिया फजल ने, ऐसा झपट्टा मारा जैसे जंगल से किसी मेमने को उठाने के लिए जा रहे हो। मनिंदर सिंह जैसा लंबा खिलाड़ी, यह बड़ा करीबी मामला था। मनिंदर का हाथ मिड लाइन के काफी करीब था। और यहां पर एक और डू ऑर डाई रेड, प्रपंजन डू ऑर डाई रेड भी है, सुपर टैकल की सिचुएशन भी है और सुपर टैकल हो गए हैं। प्रपंजन अभी भी स्ट्रगल जारी है। तीनों के तीनों डिफेंडर्स ने राइडर प्रपंजन को सुपर टैकल मैट पर मिड बना दिया। रॉक सुपर टैकल, बिल्कुल ये दूसरा सुपर टैकल पटना पायरेट की डिफेंस से। आप देख सकते हो नीरज नरवाल ने वो टैकल इनिशिएट किया। और यहां पर रॉब सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन भरत वो होने देंगे या नहीं, क्योंकि बैक टू बैक पिछली दो रेड्स में पॉइंट उठाए हैं। बड़ी तेजी से डिफेंस को तितर बितर कर रहे हैं और वो डिफेंस ने उनको वहीं पर गाड़ दिया। बेहतरीन सुपर टैकल, रॉब सुपर टैकल। डिफेंस ने संयम दिखाया पूरी तरह, फॉलो कर रहे थे भरत को राइट लेफ्ट दोनों तरफ। ये पांचवी जीत होगी यू मुंबा के लिए और होम लीग के अगले चार मैचेस यू मुंबा के देख लीजिए। बुल्स, पैंथर्स, दबंग दिल्ली और स्टीलर्स के एक होम लीग की गुंजाइश। और यहां पर एक और रॉब सुपर टैकल। रॉबिन चौधरी इस रेड के लिए थोड़ा समय निकालेंगे, बोनस ऑन है। हालांकि मूवमेंट रहेगी एक और कोशिश उनके ऊपर शादू। बोनस पॉइंट तेलुगु टाइटंस, 1 टैकल पॉइंट। सबसे तेज तर्रार ये खिलाड़ी शादू। आज की शाम फजल अंतराचली पर वो भारी पड़े हैं, लेकिन मामूली भारी पड़े हैं। फजल अंतराचली अभी अटैकिंग दिखाई दे नहीं रहे। इस बार फजल अंतराचली गए, उन्होंने कहा चलिए आपने फिगर्स दिखाए हैं तो हम उसे बराबरी पर लेकर आते हैं। 450 करोड़ का फजल अंतराचली ने पूरा किया। ये एक इतिहास है प्रो कबड्डी लीग में, आज तक किसी भी डिफेंडर ने 450 के आंकड़े को पूरा नहीं किया है। ये रेड उनकी सबसे महत्वपूर्ण रेड हो सकती है। और अब यहां पर रॉब सुपर टैकल का मौका है पटना पायरेट्स के पास।
पटना का डिफेंस इस सीजन सबसे लोएस्ट टैकल स्ट्राइक रेट, सिर्फ 36% उनके डिफेंस कामयाब हुए हैं। और विनय यहां बहुत डीप जा रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर में, क्या इस तरफ से इनिशिएटिव होगा? बिल्कुल होगा, सचिन ने किया इनिशिएट और यहां रॉक सुपर टैकल की कामयाबी हुई। रॉक सुपर टैकल यहां कामयाब हुआ। सचिन कमर न सिर्फ ग्रेड में बल्कि डिफेंस में भी अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं। की नजर होती है वो बेहतरीन, यह तारीफ करनी होगी रेफरीज की। और ये जो सिचुएशन हुई ये तेलुगु टाइटंस के लिए चांदी है और चांदी अपना रंग छोड़ देती है। चांदी तांबा हो गया, यहां पर स्ट्रगल अभी भी जारी है। बट रिंकू रिंकू यू मुंबा के रिंकू जी खुश किया बिल्कुल। रिंकू का जो चकर था वो बहुत ही बेहतरीन सिंगल आई जर्सी नंबर 22 तेलुगु टाइटंस। आशीष और योगेश की जोड़ी सामने, प्रदीप नरवाल स्ट्रगल जारी है यहां पर। प्रदीप नरवाल को दोनों डिफेंडर्स ने धर दबोचा है। यूपी में नोएडा में यूपी योद्धाओं के बादशाह को घुटनों पर ला दिया दिल्ली के डिफेंस ने, रॉक सुपर टैकल। बिल्कुल संयम दिखाया योगेश ने, एंकल होल्ड पे गए पहले उसके बाद आशीष और योगेश ने देखा। इस हफ्ते के टॉप रेट्स और टॉप टैकल्स, अब बारी है बेस्ट परफॉर्मेंस की। इस वीक जहां बड़े दिग्गज सितारों ने कमाल दिखाया तो वही नए सितारे भी उभर कर आए। आइए देखते हैं वो परफॉर्मेंस जो रहे सुपरहिट। चार के डिफेंस में ही पॉइंट ले गए सचिन तंवर और यही है इनकी खासियत, इतना तेज बस्ट करते हैं, इतना तेज एक्सेलरेट करते हैं कि डिफेंडर को संभलने का मौका नहीं मिलता। ये तीसरा रनिंग हैंड टेस्ट सचिन का। शिवम चौधरी को भेजा गया है ऑल आउट बचाने के लिए, लेकिन शिवम नहीं कर पाएंगे। और यहां टैकल पॉइंट भी लिया सचिन ने, यहां सुपर टैकल ऑन है, लेकिन सचिन तंवर को इस वक्त रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा साबित होता जा रहा है। जिस गति के साथ सचिन तंवर मैट पर दौड़ रहे हैं 0-16.5 सेकंड्स। यहाँ पे गुरदीप ने कोशिश की थी, कामयाब रहे नहीं, एस्केप कर गए सचिन। ऐसा नहीं है कि ये वो डायरेक्ट है और शिवम की कोशिश नाकाम रही। सचिन तंवर ने कमाल किया और ये पटना पायरेट्स के रेडर्स चल रहे हैं। सचिन तंवर चल नहीं रहे, उड़ रहे हैं। जानते हैं प्रदीप की युवा डिफेंस है दबंग दिल्ली की, तो लगातार रेड करके उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन आशु मले को यहां एक और टच पॉइंट लेकर गए और सुरेंद्र गिल का टच पॉइंट लेकर गए और यहां एक पॉइंट का फासला है युवराज और दबंग दिल्ली के बीच और वो फासला खत्म हो गया। बोनस फासला खत्म हो गया तो नंबर है, लेकिन ये सुपर रेड है। दबंग दिल्ली ने आज एक शानदार आगाज किया है नवीन की गैर मौजूदगी में। कप्तान अगर किसी को बना दिया जाए तो उनकी भूमिका बढ़ जाती है और आशु मलिक ने वो करके दिखाया। 9-6-3 पॉइंट्स की लीड दबंग दिल्ली के फेवर में और ऑल आउट का एक बेहतरीन मौका है इस बार आशु के पास। इधर भी आशु है और ये ऑल आउट के नजदीक ले आए किरण मगर आए थे सब्स्टिट्यूट के तौर पर और तुरंत ही वापस भेज दिए गए। दबंग दिल्ली लगातार रेट में कमाल करके दिखा रहा है। यूपी योद्धास को फिर से ऑल आउट के नजदीक पहुंचा है। बेहतरीन ये किक आशु मलिक की ओर से। दबंग दिल्ली टीम के पास ही होगा नंबर 44 आउट, 1 पॉइंट दबंग दिल्ली। आशु मलिक कप्तानी पारी खेल रहे हैं इस वक्त।
बता रहे हैं दिल्ली के कोचेस को, दिल्ली के मैनेजमेंट को, दिल्ली के फैंस को कि आपको नवीन की जरूरत नहीं, मैं अकेला हूं संभालने के लिए काफी। नवीन एक्सप्रेस की बगैर यहां दबंग दिल्ली ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि ये एक टीम है और एकजुट होकर एकता में शक्ति दिखाने के लिए तैयार है। चेहरे पर खुशी आ गई है खोकर साहब के भी और जोगिंदर के भी। छह पॉइंट से लीड कर रही है यू मुंबई साहब पे। रजनीश को भी गिरफ्त में ले लिया। यू मुंबई की तो तारी बजी। वन पॉइंट यू मुंबई। रनिंग हैंड टच की कोशिश थी रजनीश की, कवर के ऊपर से बीट हुए, उसके बाद चेन लेके अच्छी चेन टैकल। जी हां, तारीफ करनी होगी रेफरीज की। और ये जो सिचुएशन हुई है तेलुगु टाइटंस के लिए, चांदी है और चांदी अपना रंग छोड़ देती है। चांदी तांबा हो गया, यहां पर स्ट्रगल अभी भी जारी है। बट रिंकू रिंकू यू मुंबई के रिंकू जिया खुश किया सुपर टैकल। बिल्कुल, पिछली बार सुपर टैकल की परिस्थिति थी तो यू मुंबई ने वो सुपर टैकल किया था पूरा और तेलुगु टाइटंस को दूर रखा था। एक बार फिर से सुपर टैकल के लिए बेहद करीब आ चुके हैं और सुपर टैकल करते हुए पूरा यू मुंबई नहीं होंगे। यह रॉ सुपर टैकल हाथ में आते इस मुकाबले को एक बार फिर सरका दिया है। जबरदस्त तरीके से सुपर टैकल किया और रिंकू की तारीफ करनी होगी जिस खूबसूरती और परफेक्शन के साथ उन्होंने सुपर टैकल किया। हाई फाइव भी अपना पूरा कर दिया। बिल्कुल अपने किरदार को बहुत खूबसूरती के साथ निभा रहे हैं इस मुकाबले के अंदर। और ये सुपर टैकल में एक बार फिर शिकार किया रिंकू ने। कमाल कर रहे रिंकू। सोमा रॉक सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ। एक बार फिर से रिंकू और उनकी ये जकड़ लगातार तेलुगु टाइटंस को कर रही है परेशान। प्रदीप नरवाल आए रेड पे और ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यूपी योगराज के स्टार रेडर सुरेंद्र गिल इंजर्ड हुए थे पिछले मुकाबले में और ये घुटने की प्रॉब्लम। घुटना छोड़िए, घुटनों पर ला दिया है पटना पायरेट्स को इस रेड के साथ में। टच अटेंड किया था प्रदीप ने, उसके बाद जब अंकित आए एडवांस आए वहां से टर्न करके एस्केप करने में कामयाब रहे, मल्टी रेड पॉइंट लेके गए अपने टीम के लिए। और ये गुलाटियां जो आप देख रहे हैं ये प्रदीप नरवाल का स्टाइल है, डुबकियां लगाते हैं एस्केप करते हैं और क्या एस्केप कर पाए हैं इस रेड में। नितेश दौड़ते हुए आए हैं यूपी योद्धाज को पता है स्टेडियम में मौजूद सारे फैंस को पता है कि एक मल्टी पॉइंट रेड हो सकती है। सुपर रेड की संभावना है इसमें कोई शक नहीं। सुपर टेन लगा दिया प्रदीप नरवाल ने, कुल मिलाकर 83वां सुपर टेक 10 है ये प्रदीप नरवाल के करियर का। एक अच्छी रेड इस रेड में शायद से मोमेंटम ला सकते अपने टीम के लिए। बिल्कुल दो डिफेंडर्स को आउट करने में कामयाब रहे, क्या ये मोमेंटम मैच इनको जिता सकता है ये देखना होगा। प्रो कबड्डी परवान चढ़ा है, ऊंचाइयों पार किया है और ऐसे खिलाड़ियों के नाम पर, प्रदीप नरवाल के नाम पर 2 points। ये डबल सुपर 10 कंप्लीट प्रदीप नरवाल का। प्रतीक दहिया को देखिए आए डिफेंस पे कामयाब रहे और रेड में भी जबरदस्त शुरुआत की। जर्सी नंबर 33 आउट। फिर से किक लगाकर कोशिश थी पॉइंट लेने की प्रतीक दहिया की, दर्पण पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गए थे और मौका का फायदा उठा के किक लगाया प्रतीक ने। यंगस्टर्स जो हर सीजन
हम कबड्डी में देखते हैं, प्रो कबड्डी लीग में आते हुए देखते हैं, उनके पास है मौका अगला स्टार बनने का, जैसे प्रतीक दैया बन रहा है। पिछले सीजन में कमाल दिखाया, आज के मुकाबले में टैकल पॉइंट उठाया और अब डुबकी लगाई। किसी खिलाड़ी को जब आप स्टार्टिंग सेवन में शामिल करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस आसमान पर होता है। बिल्कुल, और प्रतीक दैया का कॉन्फिडेंस जो है वो 100% दिखाई दे रहा है मैट पे। जिस तरह से डुबकी लगाई चेन के नीचे से, चेन तोड़ के वो मल्टी रेड पॉइंट लेके गए प्रतीक दैया। फासला बड़ा है लेकिन पटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। और इस समय दीपक, ओ यहां पर क्या टीम साफ हो गई। बिल्कुल प्रयास में दोनों बाहर, ऑल इन बंगाल वॉरियर्स। लेकिन प्रो कबड्डी में आप वापस आ सकते हैं, ऑल इन हो सकते हैं। ऐसा लगा जैसे डिफेंडर पैर को छू के देख रहे हैं किसको पसीना है कि नहीं। मनिंदर ने पीठ दिखाई और पीठ पर थप्पड़ खाई। टाइम आउट गुजरात जायंट्स। तो इसके साथ ही ये देखिए, डाइव किया था मनिंदर, खामोश खड़े थे, पीछे से उन्हें टच किया और निकल गए प्रतीक दहिया। ये बड़ा मुकाबला है बंगाल वॉरियर्स के लिए, उन्हें मालूम है कि ये मैच अगर वो जीतते हैं तो वो अपना पुराना फॉर्म वापस पा सकते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी उनके रास्ते पे होगा। प्रतीक दहिया एक और बार मल्टी पॉइंट रेड, गुजरात कर रहा है। एक ही जगह पर प्रतीक दहिया बार बार अटेम्प्ट कराते हैं और गुजरात ठीक रहेगा। हेलो, ये रेडर यहाँ कमाल कर रहा है, थ्री पॉइंट सुपर रेड यहाँ पर पूरी कर दी प्रतीक दहिया ने। अक्षय ने गलती की, एडवांस गए थे, प्रतीक दहिया को डबल थाई होल्ड करने की कोशिश, इसके बाद बहुत ही बेहतरीन प्रतीक दहिया की। और जब आप बोनस लेंगे, कुल मिलाकर 14 बोनस हैं वॉरियर्स के अब तक और सिर्फ 4 बोनस हैं गुजरात जायंट्स के, तो ये बड़ा फर्क जो पूरी कहानी को समअप कर सकता है आपके लिए। बिल्कुल संजय, और दूसरी बात ये भी है कि डिफेंस जो है वो बार बार गलतियां कर रही है। प्रतीक दहिया बेहतरीन फॉर्म में दिखते हुए, ये मल्टी रेड पॉइंट हो सकता है। 2 पॉइंट्स गुजरात जायंट्स, बिल्कुल मल्टी रेड पॉइंट और 20 पॉइंट्स में हासिल किए आज प्रतीक दहिया ने। डू ऑर डाई रेड है, और अगर आप प्रतीक दहिया को यू बुत बन के खड़े होते हुए देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें अपने ऊपर वो पूरा कॉन्फिडेंस है और उस कॉन्फिडेंस का असर साफ दिखाई दे रहा है। आज प्रतीक दहिया कुछ गलत नहीं कर सकते। जैसे नंबर 5 एंड 69 आउट। मुझे तो लग रहा है कि वॉरियर्स आज एक रिकॉर्ड बनवाना चाहते हैं संभवतः इस सीजन का। किस तरह से डिफेंस बिहेव कर रहा है ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। वॉरियर्स के लिए आज का मुकाबला भूलने वाला मुकाबला होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में लेकर आएंगे और भी ज्यादा तूफानी और रोमांचक एक्शन। तब तक के लिए लेते हैं विदा।